पहले बोहरा कमिटी में ले जाऊंगा, ताकि आप एक रिपोर्ट में आपको जो बार बार दिखाता रहा हूं, बोहरा कमिटी का ये रिपोर्ट आप देखिए, जरा बड़ा कर दो। बोहरा कमिटी ने को मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर ने बनाया था, यानी गृह मंत्रालय ने बनाया था। होम सेक्रेटरी इसके चेयरमैन थे, सेक्रेटरी और डीआईबी डायरेक्टर सीबीआई ये सब उसके मेंबर थे। और ये जब जो है बनाया गया था 9 जुलाई 1993, धमाके जब हुए उसके बाद एक कमिटी एस्टेब्लिशमेंट की गई, और इसका जांच करना था इसको कि ये जो माफिया क्राइम सिंडिकेट है, माफिया ऑर्गेनाइजेशन, जिनका पॉलिटिकल गवर्नमेंट के फंक्शन, पॉलिटिकल पर्सनालिटी, इन सब के साथ जो इसके लिंक हैं, वो इसको बाहर किया जाए, बाहर लाया जाए और उस लिंक को स्थापित किया जाए। इसके लिए सरकार ने कमिटी बनाई। इस कमिटी में बड़े बड़े नाम आए, रॉ वो आप देखेंगे नीचे भी ले जाओ, डायरेक्टर सीबीआई, सेक्रेटरी रॉ RNW, ये सब जो है आपको, ये बड़ी पूरी एजेंसी जो है इसको इसमें इन्वॉल्व हुई। इस रिपोर्ट को जब ये रिपोर्ट आई तो संसद में हंगामा हुआ, इसमें शरद पवार का नाम आ गया। जब शरद पवार का जब नाम आया तो बहुत तेज हंगामा हुआ और इस पूरे रिपोर्ट को सरकार ने दबा दिया। कांग्रेस की सरकार ही थी, कांग्रेस की सरकार ने बनाया था नरसिम्हा राव की, और सिर्फ 10-12 पेज जारी करके पूरा रिपोर्ट गपत गोल कर दिया गया, खा गया। इस रिपोर्ट के कुछ पन्ने जर्नलिस्ट के हाथ लगे, और समय आउटलुक में एक जर्नलिस्ट थे राजेश जोशी। राजेश जोशी ने 14 फरवरी 1996 को इस रिपोर्ट के कुछ पन्ने छाप दिए। छापने के बाद शरद पवार बौखलाए, 100 करोड़ का केस तक फाइल कर दिया, लेकिन पब्लिक डोमेन में उस रिपोर्ट की कुछ जो पढ़ते हैं वो सामने आ गई। जो आज आप नवाब मलिक का देख रहे हो खेल, वो खेल आप समझ जाओगे। इस पूरे परत में आप देखिए कि महाराष्ट्र से दाऊद इब्राहिम के साथ, आप बीच में लिखा हुआ है, आफ्टर 1993 बॉम्ब ब्लास्ट, द होम मिनिस्ट्री कलेक्टेड कंसिडरेबल इंफॉर्मेशन ऑन द लिंक बिटवीन कांग्रेस पॉलिटिशियंस एंड द अंडरवर्ल्ड, कांग्रेस पॉलिटिशियन एंड द अंडरवर्ल्ड, द डिटेल ऑफ द इन्वेस्टिगेशन वी आर सबमिटेड टू द बोहरा कमिटी। ठीक है, एक्सपर्ट जो है अंडरवर्ल्ड ऑपरेशन, पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेटिक पैटर्न जो है, ये आपको ये पूरा रिपोर्ट दिखेगा। इसमें महाराष्ट्र में कौन कौन शामिल था दाऊद इब्राहिम से, ये देखिए। महाराष्ट्र, दाऊद इब्राहिम से डायरेक्ट रिश्ते थे शरद पवार के, सलीम जकारिया के, जावेद खान के, दोनों एक्स मिनिस्टर थे और क्लोज थे शरद पवार के। जब बम धमाके के समय आप देखेंगे कि शरद पवार, जब मुख्यमंत्री बनाया गया शरद पवार को बम्बई में, बम धमाके को कवर अप करने के लिए, और शरद पवार ही वो आदमी है जो NDTV में शिखर गुप्ता को इंटरव्यू दे चुके हैं कि जब 12 बम फटे और सारे, जब दाऊद इब्राहिम आदि ने उन उन जगहों को टारगेट किया जहां पर हिंदू जनसंख्या ज्यादा है, तो दाऊद इब्राहिम को बचाने के लिए और शरद पवार के अनुसार कि हम सद्भावना करने के लिए, ताकि लोग मुस्लिम पे शक ना करें, दंगे ना हो, इसने एक मस्जिद के पास भी एक बॉम्ब प्लांट की झूठी खबर मुंबई पुलिस को दी और मुंबई पुलिस को गुमराह किया। ये खुद शरद पवार कह चुका है कि हम सद्भावना स्थापित करना चाहते थे। क्राइम में समानता का सिद्धांत जो मैं आपको बार बार लिखता हूँ, ये आपको सबूत बड़ा मिलेगा। शरद पवार खुद इसका गवाह है, इंटरव्यू दे चुका है NDTV। और इस पूरे बम धमाके का लिंक उसने जोड़ दिया साउथ इंडिया में, LGT की तरफ मोड़ दिया, जबकि और इधर दाऊद को भगा दिया। तो अब वो रिपोर्ट देखिए कि दाऊद इब्राहिम से रिश्ते किसके हैं, शरद पवार और उनके जो दो मंत्री थे सलीम जकारिया और जावेद खान, एक और आतंकवादी है मोहम्मद दोसा, उसके साथ है मदन बाफना का जो मंत्री था पहले, पी राज कोहली, इसके साथ संबंध थे अरुण मेहता का जो फॉर्मर होम मिनिस्टर था, होम मिनिस्टर भारत का आतंकी और माफियाओं के साथ कैसे ऑपरेट करता था, ये पूरा, तभी बोरा कमेटी की रिपोर्ट जारी नहीं हुई, क्योंकि इसमें बड़े बड़े सारे फंसे पड़े थे। इसमें हाजी अहमद, डीवी पाटिल, जावेद खान खान ब्रदर्स, अरुण मेहता, सलीम जकारिया दोनों मंत्री शरद पवार के साथ, टाइगर मेनन जावेद खान के साथ संबंध थे, महाराष्ट्र से फिर गुजरात के भी पॉलिटिशियन दाऊद इब्राहिम के संपर्क में थे, क्योंकि पूरा जो आपका समुद्र का इलाका है और कैसे स्मगलिंग होती थी, कैसे क्राइम होते थे, और आपको 26/11 में समुद्र का इलाका उपयोग हुआ आप देखते ही हो। गुजरात में अब्दुल लतीफ जो क्रिमिनल था, आतंकी था, उसका चीमन भाई पटेल, यानी एक्स चीफ मिनिस्टर, कांग्रेस का जो एक्स चीफ मिनिस्टर था चीमन भाई पटेल, वो डायरेक्ट आतंकवादी अब्दुल लतीफ के संपर्क में था। रतिलाल देवा नाविक, ये जो पड़ ज्यादा
वाइस प्रेसिडेंट था पीसीसी का, उसके संपर्क में इज्जू शेख, हाजी अहमद पटेल एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी अहमद पटेल जो गुजर चुके हैं, जो सोनिया गांधी के राइट हैंड राजनीतिक सलाहकार थे, वो इज्जू शेख हाजी आतंकी के संपर्क में थे। हासना दादा सी डी पाटिल होम मिनिस्टर, भारत के होम मिनिस्टर पहले वाले सब, आप देखो आतंकियों को प्लेस दे रहे, उनके साथ बिजनेस कर रहे हैं। ठाकुर नायर सप्लाई मिनिस्टर, तभी शरद पवार को सप्लाई चाहिए होता है, सप्लाई मिनिस्टर। अंबर सुभानिया चिमन भाई पटेल के साथ उनके रिश्ते थे। राम भाई गढ़वाई, अशोक लाल बाबूलाल मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट, संतोष बेन जडेजा एमएलए अर्लियर ऑफ जनता दल ज्वाइन कांग्रेस नोन एज माफिया क्वीन। तो ये पूरा रिपोर्ट जो है जब जारी किया गया, एनएन बोरा कमेटी की रिपोर्ट, ये आप नीचे जाओ और इस पे आउटलुक ने इसको छापा, और आउटलुक ने जब इसको छापा तो देश में बवाल मच गया, संसद तक में हंगामे हुए, इनेक्शन पूरा खुला। महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर में लिखा था एमएचए रिपोर्ट एलेज, आरोप लगाते हैं दैट देयर वाज ए डेफिनेट नेक्सस बिटवीन अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम एसोसिएट्स एंड फॉर्मर महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर शरद पवार। ये भारत सरकार की ऑफिशियल रिपोर्ट में कि दाऊद इब्राहिम और शरद पवार के बीच नेक्सस है, जो आज नवाब मलिक के रूप में और सामने आ गए। इसलिए बोहरा कमेटी की रिपोर्ट मोदी सरकार को जारी करनी ही चाहिए, हर हालत में गृह मंत्री अमित शाह को जारी करनी ही चाहिए, पूरा महाराष्ट्र की गंदगी साफ हो जाएगी, ब्यूरोक्रेसी की गंदगी साफ हो जाएगी, आईबी रॉ के अंदर की गंदगी साफ हो जाएगी, कई खुफिया एजेंसी सब, इन सब की गंदगी साफ हो जाएगी। तो बहुत बड़ा सफाई अभियान एक बोरा कमेटी से हो जाएगा। और आप देखेंगे अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट मूलचंद शाह अलाई चौकसी, ये हवाला रैकेटियर मूलचंद शाह जो उसका उर्फ चौकसी एक हवाला रैकेटियर था, आल्सो इन्वॉल्व इन द जैन केस क्लोज टू दाऊद इब्राहिम एंड गैंग हैड ऑन वेरियस ओकेजन बिटवीन दिसंबर 1979 एंड अक्टूबर 1992 ट्रांसफर्ड 72 करोड़ पवार। यानी दाऊद के व्यक्ति ने पवार को 1979-80 छोड़ दीजिए और 92 के बीच 72 करोड़ रुपए शरद पवार को ट्रांसफर किए, 72 करोड़ रुपए। मेनी अदर कांग्रेस लीडर्स हैव आल्सो बीन लिस्टेड एट रिसिपिएंट्स ऑफ मनी फ्रॉम शाह, और सभी कांग्रेस, काफी सारे कांग्रेस के लीडर थे जिनको दाऊद से पैसे मिले चौकसी के थ्रू, ये भी इसमें था। दिसंबर 1979 से फरवरी 1980 के बीच मूलचंद चौकसी ने 7 करोड़ शरद पवार को दिए, यानी एक साल के अंदर 7 करोड़, विच वॉज रिसीव फ्रॉम एन अनडिस्क्लोज्ड सोर्स इन वेस्ट, जो एक पश्चिम यानी दूसरे देश के से वो हवाला से पैसे आया था और चौकसी ने उसको रूट किया शरद पवार के पास। एंड आल्सो कंफर्म दैट चौकसी हैड डेवलप क्लोजनेस विद दाऊद एंड हिज गैंग पे बैक इन 1980, और उसके जरिए चौकसी ने दाऊद आदि के साथ संबंध बनाए, यानी चौकसी दाऊद का भी हवाला और शरद पवार का भी हवाला और विदेश का भी हवाला, उसके नेटवर्क को संभालने वाला आदमी था। शाहबाज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफरिंग मनी फॉर वेरियस इंपॉर्टेंट पीपल ऑफ बॉम्बे टू द मिडिल ईस्ट एंड अदर कंट्रीज फॉर सेफ कैचिंग। मिडिल ईस्ट से यानी आतंकी मनी आ रहे थे, आप देखते जाओ सऊदी अरबिया उदरबिया से पैसे आ रहे थे, शरद पवार तक पहुंच रहे थे। चौकसी इज सेड टू हैव पेड अनदर इंस्टॉलमेंट ऑफ 5 करोड़ अराउंड मई 1991 टू पवार। चौकसी ने फिर मई 91 में पवार को 5 करोड़ रुपए ट्रांसफर किया पवार को। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट द अमाउंट वॉज रिपोर्टेडली ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए मिडिल ईस्ट कंट्री थ्रू द हवाला चैनल। हवाला चैनल के जरिए मिडिल ईस्ट से ये 5 करोड़ रुपया पुनः आया शरद पवार के अकाउंट में। Reportedly, the above amount were paid for election purpose. चुनाव जीतने के लिए ये हवाला मनी, आतंक मनी, भारत के चुनाव को जीतने के लिए शरद पवार के खाते और पॉलिटिशियन के खाते में आए, ये रिपोर्ट कहती है। But was also used by later to siphon money abroad, says the report on behalf of the Chief Minister of Maharashtra, Pappu Kalyani, has handover 20 crore to Choksi in September 90. ट्रांसफरिंग एब्रॉड जो है। और आप देखेंगे कि बम्बई बम धमाका जो हुआ है, कुछ समय पहले ही 20 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए, यानी धमाके के लिए भी जो 20 करोड़ का ट्रांसफर हुए, ये हवाला में ये पॉलिटिशियन सब इसमें शामिल थे। अनदर अमाउंट 50 करोड़ वाज ट्रांसफर बाय चौकसी ऑन बिहाफ ऑफ द चीफ मिनिस्टर
बिहाफ ऑफ द चीफ मिनिस्टर, यानी कि शरद पवार के 50 करोड़ 20 करोड़, यानी मुंबई बम धमाके में बोरा कमेटी की रिपोर्ट अगर सार्वजनिक आए तो दाऊद और पवार आरोप के मुताबिक ने मिलकर ये धमाके कराए, पूरी पॉलिटिकल पार्टी जो उस समय थी कांग्रेस उन मिलकर धमाके कराए, ये रिपोर्ट इतनी बड़ी है इसलिए इसको दबा दिया गया, और ये जिसने लिखा उस पर 100 करोड़ के माना नहीं कर दिया। द डील वाज एग्जीक्यूटेड थ्रू एडवोकेट, और वो रिपोर्ट चुकी, ये रिपोर्ट अमित शाह और मोदी एक दिन में जारी कर सकते क्योंकि रिपोर्ट है और ये रिपोर्ट ऑफिशियल, सरकार एमएचए ने ही इसको जारी किया। अगर वो इंदिरा गांधी के समय का नोटबंदी के अभियान को निकालकर झाड़ पोछ करके अगर लागू कर सकते थे, अगर उनको सोनिया के समय का सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को झाड़ पोछ करके उसको बना सकते हैं तो ये बोरा कमेटी क्यों नहीं जारी कर, भारत का पूरा माफियावाद ही साफ साफ हो जाएगा। अब आप सोच कर देखो, द रिपोर्ट सेज द चौकसी हैड बीन इन कॉन्स्टेंट टच विद पवार टिल अ फ्यू मंथ बिफोर द बॉम्बे ब्लास्ट। ध्यान दीजिए, चौकसी हैड बीन कॉन्स्टेंट टच विद पवार टिल अ फ्यू मंथ बिफोर बॉम्बे ब्लास्ट। बॉम्बे ब्लास्ट से पहले तक हवाला से पैसे शरद पवार पा रहे थे और चौकसी यानी दाऊद के हवाला नेटवर्क के साथ शरद पवार बम ब्लास्ट के समय तक जुड़े थे। ये रिपोर्ट कह रही ए मेजर ट्रांजेक्शन ऑफ 10 करोड़ एलेज टुक प्लेस इन अक्टूबर 1992, 10 करोड़ फिर अक्टूबर 1992 में बीत गया। इन दिस ट्रांजेक्शन से द डॉक्यूमेंट इनवर्टेड कॉमा चौकसी डिलीवर्ड एन अमाउंट ₹10 करोड़ टू द नेफ्यू ऑफ शरद पवार, शरद पवार के भतीजे जिनके साथ सरकार बनाने सभी लोग जा रहे थे, 10 करोड़ रुपया उसको ट्रांसफर किया धमाके के समय। द अमाउंट है रिपोर्टेडली कम फ्रॉम मिडिल, और ये पैसा मिडिल ईस्ट से आया था, यानी यहाँ दाऊद को आप सोचिए कैसे आतंक को पॉलिटिकल पार्टी मिलकर अंजाम दे रहे। और 26/11 तो आपने देखा ही है मनी की किताब में कि पूरा यूपीए शामिल था आतंकी वारदात कराने में, आपने तो देखा ही है। शाहबाज अरेस्टेड अंडर टाडा May 4, 1993 फॉर फंडिंग टाइगर मेनन विथ RS 2.5 करोड़ फॉर द ब्लास्ट। वही चौकसी शरद पवार को भी पैसे फंड कर, वही टाइगर मेनन को भी, वही जो मिडिल ईस्ट से पैसे आ रहे थे, 2.5 करोड़ रुपए उस चौकसी ने टाइगर मेनन को बम ब्लास्ट के लिए जो एक्सिक्यूट करना था उसके लिए 2.5 करोड़ रुपए फंड किया, जिसके कारण ये गिरफ्तार हुआ टाडा में मई 1993 में गिरफ्तार हुआ। ड्यूरिंग द इंट्रोगेशन ऑफ उस्मान गनी एंड एक्यूज इन द बॉम्बे ब्लास्ट केस, उस्मान गनी जो बॉम्बे ब्लास्ट केस का एक आरोपी था, अभियुक्त था, इट वॉज रिवेल दैट ही हैड एस्टेब्लिश्ड कॉन्टेक्ट विद द लिटरेटी ऑफ बॉम्बे फॉर सिफोनिंग द ब्लैक मनी थ्रू द हवाला फॉरन अकाउंट। वो उसने बताया कि वो फॉरन अकाउंट के जरिए, हवाला के जरिए ब्लैक को व्हाइट का काम कर रहा था। द रिपोर्ट नेम ए वेरी टॉप पॉलिटिशियन ऑफ बॉम्बे इनवर्टेड कॉमा में ए वेरी टॉप पॉलिटिशियन ऑफ बॉम्बे अपार्ट फ्रॉम ए फ्यू फिल्म स्टार, पूरा बॉलीवुड साफ हो जाएगा। आज जो हसीना पारकर के लिए फिल्म बना रहे हैं, हसीना पारकर को कर रहे हैं, दाऊद को आप देखेंगे कितनी फिल्म में तो दाऊद को ग्लोरीफाई किया। ये हसीना पारकर देखिए बनाया, दाऊद को देखिएगा वंस अपॉन ए टाइम मुंबई, पता नहीं कौन कौन मुंबई ढंग, ये पूरा आतंक को जस्टिफाई करने के लिए उन्हीं के पैसे से, माफिया को डॉन को जस्टिफाई करने के लिए, ताकि उनके प्रति जनता में सिंपैथी क्रिएट हो। अरे क्या किया यार, दाऊद को फंसाया, और इस तरह से पूरा खेल बॉलीवुड में, तो इसमें लिखा हुआ है पार्ट फ्रॉम ए फ्यू फिल्म स्टार, इसमें कई फिल्म स्टार भी शामिल थे, और उसमें आपको ध्यान है संजय दत्त एक पकड़ाया ही था, तो आपको रिपोर्ट दिखी जा रहा है 47 लिए, जिस संजय दत्त को भी हीरो बनाने के लिए 47 पकड़ाने के बाद भी संजू जैसी फिल्म, गांधी मुन्ना भाई ये सब फिल्म लाला के संजय दत्त की, वो वहीं के पैसे से सब हो रहा है, देख लीजिए आप। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज हुज मनी ही गनी ट्रांसफर्ड आर, ध्यान दीजिए, जिस जिस को पैसा हवाला से मिला धमाके के बाद वो गनी, उनके नाम सुनिए, दिलीप कुमार, ये दिलीप कुमार को तो पाकिस्तान का अवार्ड में मिल चुका है, दिलीप कुमार सबसे बड़े, और दिलीप कुमार उस समय पकड़ में आए थे, सरकार ने बचाया था कांग्रेस का, उस समय पाकिस्तान के ASI का जो खुफिया होता है ना, इंटरसेप्ट वाला जो रेडियो होता है, वो दिलीप कुमार के घर में मिला था,
हम लोगों को बता, दिलीप बाप बाप दिलीप साहब, देखो यार, दिलीप कुमार, फिरोज खान एंड वन बनर्जी। फिरोज खान अपने आप को अफगानी कहते थे स्टाइल में, फिरोज खान एंड वन बनर्जी एन एडवोकेट ऑफ बॉम्बे हु इज रिपोर्टेड टू ए वेरी क्लोज टू वेरी टॉप पॉलिटिशियन ऑफ बॉम्बे, हवाला ऑपरेटर्स लाइक चौकसी मेंशन इन द एमएचए रिपोर्ट, एमएचए रिपोर्ट में, सरकार के रिपोर्ट में, और आल्सो इन्वॉल्व इन द न्यू मल्टी करोड़ जैन हवाला स्कैंडल। उस समय जैन हवाला कांड हुआ जिसके कारण अडवाणी जी, आपको ध्यान होगा, आपको मदन लाल खुराना इन सबको इस्तीफा देना पड़ा था। अपार्ट फ्रॉम शाह, द नेम ऑफ दिल्ली बेस्ड हवाला डीलर शंभू दयाल शर्मा उर्फ गुप्ता जी फिगर इन रिपोर्ट। इट वॉज शर्माज अरेस्ट इन 1991, शर्मा 1991 में अरेस्ट हुए एंड हिज सब्सिक्वेंट इंट्रोगेशन विच लेड द सीबीआई टू रेड जेके जैन रेसिडेंट। ये जो पूरा बम धमाके थे और हवाला के करवा, तो उसी की जांच पड़ताल में जैन हवाला का मामला खोला जिसमें सारे पॉलिटिशियन शामिल थे। तो बोरा कमेटी में कहीं इनके लोग भी ना कुछ शामिल हो, क्योंकि उस समय अडवाणी और सिर्फ सब साफ हो गए, पाक साफ हो गए वो लोग। लेकिन आपको दी आउटलुक की रिपोर्ट है, आप देखिए, द एमएचए रिपोर्ट सेज द सहारा शर्मा हैड बीन पिल्डिंग मनी टू पॉलिटिशियन ओवर, वो शर्मा जो है पॉलिटिशियनों के काले सफेद का धंधा पूरा चला रहा था। शर्मा नेम फर्स्ट कम टू द नोटिस ऑफ अथॉरिटीज इन मई 1985 व्हेन ही एलिजिबली एक्टेड ए कंडक्ट फॉर ए चौकसी रुपीज 3 करोड़ पे ऑफ अरुण नेहरू, गांधी परिवार के सबसे बड़े राजदार अरुण नेहरू एंड देन इंटरनल सिक्योरिटी मिनिस्टर, और उस समय वो भारत के आंतरिक सुरक्षा मिनिस्टर थे जिनको आतंक का पैसा मिल रहा था। तो आपकी आंतरिक सुरक्षा कैसे होगी? भारत के आंतरिक सुरक्षा मिनिस्टर हवाला के आतंक के पैसे ले रहे थे, तो आपकी आंतरिक सुरक्षा कैसे होगी? और जब ये रिपोर्ट आई थी, अरुण नेहरू ने खूब बवाल मचाया था, रिपोर्ट जारी ही नहीं हुआ। नरसिम्हा राव को एक मौका था, नरसिम्हा राव के खिलाफ ये सब थे, नरसिम्हा राव ने तुरंत का पत्ता रख लिया, या बताता हूँ तुम्हें, और उन्होंने ये रिपोर्ट बनाई बोरा कमेटी। और उसके बाद जो है, फिर इंक्वायरी मेड बाय द गवर्नमेंट एजेंसी ऑफ विच एमएचए रिपोर्ट इज बेस्ड रिवील दैट मूल चंद शाह लाइव इन 604 राजेंद्र विहार गुलिंद्र लेन बंबई, हवाला किंग पिंग हेल फ्रॉम डेनिमल विलेज इन राजस्थान, हिज फादर माइग्रेट टू बॉम्बे। उसका पूरा है, चौकसी अंडरवर्ल्ड एक्टिविटीज अराउज इनफ क्यूरियोसिटी टू प्रॉम्प्ट इन्वेस्टिगेशन बाय वेरियस एजेंसीज, बट द मैनेज टू स्कीप द ड्रैगन ऑफ लॉ थैंक्स टू दिस पॉलिटिकल क्लाउड। लेकिन ये जो चौकसी था वो भागने में बचने में सफल होता था, क्योंकि उसके पॉलिटिकल कनेक्शन थे। मार्च 1989 में जो है उसको डिटेन किया गया था, और उसके बाद जो है महाराष्ट्र, पूरी महाराष्ट्र सरकार जो है उसमें कह रहा है कि एमएचए रिपोर्ट पॉइंट ऑफ द रिवोकेशन वाज डन एट द बिहेस्ट ऑफ होम मिनिस्टर ऑफ द रूलिंग पार्टी, यानी कांग्रेस का होम मिनिस्टर तक, तो आपकी सिक्योरिटी क्या होगी? अरुण मेहता ए क्लोज पवार कॉन्फिडेंट फॉर दिस एक्शन, अरुण मेहता एंड द अदर पॉलिटिशियन वी आर पेड 2 करोड़ बाई चौकसी। होम मिनिस्ट्री तक को 2-2 करोड़ रुपए पहुंच रहे थे, 2-2 करोड़ रुपए पहुंच रहे थे। इंटरनल मिनिस्ट्री अरुण जो नेहरू थे उन तक पैसे पहुंच रहे थे, तो भारत की सुरक्षा कैसे होगी? भारत का तो पूरा पॉलिटिकल क्लास अंडरवर्ल्ड से पैसे खा रहा। और 26/11 में मणि ने अपनी किताब में लिखी, ये ऊपर में कहीं किताब होगी, कि कैसे 26/11 को यूपीए ने अंजाम दिया, यूपीए के मिली भगत से। और मणि की किताब में आप देखिए कि हिंदुओं को आतंकी बनाने के लिए किस तरह से हेमंत करकरे और दिग्विजय सिंह होम मिनिस्ट्री में बैठे, तब शिवराज पाटिल होम मिनिस्टर था, उसके ऑफिस में बैठकर, और नंदेर बम धमाके में बम बजरंग दल वालों को कैसे फंसाया जाए, ये बैठ के साजिश रची गई, जिस दिग्विजय सिंह को बचाने के लिए आजकल एक मास्टर स्ट्रोकवादी गटर का पिस्टू को लगाया गया है, आपको ध्यान होगा। ऐसे ऐसे पूरे खेल हुए हैं। तो इसमें बहुत बड़ी रिपोर्ट है ये, और आपको तो ये आपको आज नवाब मलिक के कारण आपको पुनः उससे दिख जाएगा कि किस तरह से, ये बहुत बड़ी रिपोर्ट है, आपको तो रिपोर्ट पढ़ते पढ़ते कई दिन में लग जाएगा मुझे, यानी पूरा पूरा भारत सरकार, पूरी महाराष्ट्र सरकार और शरद पवार किंग पिन डायरेक्ट दाऊद से रिश्ते थे, इसलिए रातों रात दाऊद भाग गया, उसमें भी इनके आरोप लगे, दाऊद शामिल नहीं है, इसके लिए एक फर्जी बम प्लांट कराने की खबर की गई। और जब शरद पवार
बम ब्लास्ट से ठीक पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में शरद पवार के पास 20-20 करोड़ रुपए पहुंचे हैं, किस बात के लिए? और आज वही नवाब मलिक हसीना पारकर, आप देखिए कि दाऊद के भांजे, इन सबके साथ रिश्ते आ रहे हैं, शरद पवार को खिला रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी से मिल रहे हैं कि हमें दबाया जा रहा है, हमें ढेकना किया जा रहा है, हमें ये किया जा रहा है। तो ये है भारत का पॉलिटिकल क्लास, ठीक है। अब आपको ये समझना है कि ये बोहरा कमेटी अगर आपको जारी कराना है तो सड़क पे उतरना, खुद फेसबुक पर लिखना, ट्विटर पे करना, ये आप एक बात कर लो, भारत की राजनीति की सफाई हो जाएगी, ब्यूरोक्रेसी की सफाई हो जाएगी, हमारी खुफिया एजेंसी की सफाई हो जाएगी। इसमें बड़े बड़े रॉ और आईबी के अधिकारी मिले हुए थे, तभी तो आप देखते ना कि एजेंसी फेल हो गई, सूचना फेल हो गया, कैसे फेल हो जाता। मनी पाकिस्तान डेस्क पे काम करते थे, आप पढ़ो उनकी किताब भगवा आतंकवाद, ये जो है हिंदू टेरर, तो आपको पता चलेगा कि इस देश को चलाया कैसे गया है। और अभी ये लोग नेता बने फिरते हैं, जनता को दबाते हैं, जनता को धमकाते हैं, ये पूरा खेल था।